हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। स्नातक एवं पीजी सभी की परीक्षाएं बहुत जल्द, कुलपति ने कहा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तृत जानकारी आप सभी को देते हैं, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि जेपी यूनिवर्सिटी से निकली सभी सही और सटीक जानकारी आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शोध विद्यार्थी संगठन यानी कि आरएसए के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया गया था कमला राय कॉलेज गोपालगंज में 27 अगस्त 2024 से, और उनकी कुछ मांगे थी। क्या मांगे थी, सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। मैं विस्तार पूर्वक सभी जानकारी आपको देने वाला हूं, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि क्या क्या इनकी मांगे थी आरएसए छात्र संगठन की। पहला तो स्नातक सत्र 2023 पार्ट टू का अंक पत्र एवं पार्ट थ्री की परीक्षा तिथि अविलंब घोषित किया जाए। दूसरा था स्नातक सत्र 21-24 पार्ट वन का अंक पत्र एवं पार्ट टू की परीक्षा तिथि अविलंब घोषित किया जाए। उसके बाद स्नातक सत्र 22-25 पार्ट वन का रिजल्ट एवं स्नातक पार्ट टू की परीक्षा की तिथि अविलंब घोषित किया जाए। उसके बाद स्नातकोत्तर सत्र 21-23 सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट एवं थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि अविलंब घोषित किया जाए। उसके बाद स्नातकोत्तर सत्र 22-24 फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा तिथि अविलंब घोषित किया जाए। उसके बाद स्नातक सत्र 19-22 के डिग्री एवं माइग्रेशन का पैसा परीक्षा फॉर्म के साथ जमा हुआ था, इसे महाविद्यालय में अतिशीघ्र भेज कर वितरित कराया जाए, नहीं तो सभी पैसा ब्याज के साथ वापस किया जाए। उसके बाद महेंद्र महिला महाविद्यालय गोपालगंज में उर्दू के शिक्षक की नियुक्ति अतिशीघ्र किया जाए, जिससे छात्राओं की पठन पाठन सुचारू रूप से हो सके। उसके बाद अगला जो था कमला राय महाविद्यालय गोपालगंज में सभी विषयों में पीजी की पढ़ाई यथाशीघ्र शुरू किया जाए, जिससे छात्रों को अन्य विश्वविद्यालय या अपने जिले से बाहर जाने की कठिनाई करने का सामना न करना पड़े। उसके बाद छात्रों से आईडी कार्ड के लिए नामांकन के समय 100 रुपया लिया गया, लेकिन अभी तक महाविद्यालय से उन्हें आईडी कार्ड उपलब्ध न कराया गया, उन्हें जल्द से जल्द आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद कन्या उत्थान योजना में जो छात्रा ऑनलाइन आवेदन कर चुकी है उनका विश्वविद्यालय से सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, जिस कारण छात्राओं के खाते में पैसा नहीं जा रहा है, इसे अतिशीघ्र विश्वविद्यालय स्तर से सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद छात्र संघ चुनाव 2017 के बाद अब तक नहीं हुआ, परंतु सभी छात्रों से प्रति वर्ष 100 रुपया लिया जाता है, अतिशीघ्र चुनाव की तिथि घोषित करें या अब तक सही पैसे छात्रों को ब्याज सहित वापस किया जाए। ये सभी मांगे थी आरएसए छात्र संगठन की कि जब तक विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी जेपी यूनिवर्सिटी ये सभी मांगे पूरी नहीं करता है, मांग को नहीं मानता है, तब तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भूख हड़ताल करने के दौरान लगातार तीसरे दिन छात्र संगठन के कुछ नेताओं का तबीयत अचानक बिगड़ गया। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि तीसरे दिन छात्र नेता की तबीयत बिगड़ी, कुलपति ने पहुंचकर तुड़वाया अनशन। आगे यहां पर आप सभी को बताया गया है कि कमला राय कॉलेज में आरएसए के छात्रों द्वारा शुरू किए गए अनशन के तीसरे दिन अनशनकारी छात्र नेता जयराम कुमार की तबीयत बिगड़ने लगी। साथियों ने इसकी सूचना सदर अस्पताल को दी। सदर अस्पताल से पहुंची मेडिकल टीम छात्र की प्राथमिक जांच के बाद तुरंत एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल आई, जहां छात्र को भर्ती कराया गया, जिसकी सूचना पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति परमेंद्र कुमार वाजपेयी शाम में अनशन स्थल पर पहुंचे। अनशनकारी छात्रों से बातचीत कर मांगों को सुना और अधिकतर मांगों पर सहमति जताते हुए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्रों के साथ कुलपति सदर अस्पताल पहुंचे, जहां भर्ती छात्र जयराम का हाल चाल जाना और जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। छात्रों की समस्याओं को सुनने के बाद कुलपति ने उन्हें पूरा करने का भरोसा दिया। कुलपति के आने के साथ ही छात्र संगठन के द्वारा अनशन समाप्त करने पर सहमति बनी।
इससे पहले छात्र नेताओं और कुलपति के बीच गर्मागर्म बातें हुई, उसके बाद छात्र कुलपति के आश्वासन पर मान गए। तो फ्रेंड यहां पर आपने देखा कि आरएसएस छात्र संगठन की क्या कुछ मांगे थी। छात्र संगठन की मांग थी कि जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। यहां पर कुलपति महोदय ने सभी मांगे पूरी करने के लिए आश्वासन दे दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का जो भी छात्र छात्राओं का एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द से जल्द आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। चलिए फ्रेंड देखते हैं कि आगे क्या कुछ अपडेट निकल करके आता है। अगले वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।